गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस इक्वेशन, जो कि न्यूमेरिकल्स मेथड का ही एक सिलेबस का एक पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कैसे जो है डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे हम जो है उसका निकालते जाएंगे वैल्यूज़, और उसकी वैल्यूज़ को पुट करके हम टोटल वैल्यूज़ उसका जो पूछा गया है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस इक्वेशन के बारे में। अ डिफरेंस इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंसेस ऑफ एन अननोन फंक्शंस एट वंस और मोर जनरल वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट्स। एक तो डिफरेंस इक्वेशन जो होता है वो जो है एक अननोन फंक्शंस कम से कम एक या उससे ज़्यादा जो है वैल्यूज आर्गुमेंट के जो वैल्यूज होते हैं उनका जो है डिफरेंस होता है, वैसा रिलेशन जो है डिफरेंस इक्वेशन रिलेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डेल वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे टू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वाई एन प्लस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई एन माइनस वन इज इक्वल्स टू वन होगा। और ये कैसे होगा, यहाँ पे हम एक काम करेंगे उसका भी निकाल के बताऊँगे क्वेश्चन पे, ये होता है। और यहाँ पे जो है डेल वाई एन प्लस वन की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जो है ये यहाँ पे जो डेल वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन होगा। तो यहाँ पे जो है डेल वाई एन प्लस टू की वैल्यू जो है वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा टू। इसका हम जो है डबल डिफरेंशिएशन अगर हम जो है देखते हैं तो डेल स्क्वायर वाई एन माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस वन माइनस टू वाई एन प्लस वाई एन माइनस वन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम जब पुट करते हैं यहाँ पे तो डेल वाई एन प्लस टू माइनस यहाँ पे जो है डेल स्क्वायर वाई एन माइनस वन की जितनी भी वैल्यू है उसको यहाँ पे जब पुट आउट कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो है वाई एन प्लस वन की वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट कराएंगे तो ये माइनस में वाई एन प्लस वन की वैल्यू जो है यहाँ पे निकल जाएगी। अब हम यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रॉम वाई एन इज इक्वल्स टू ए इंटू टू द पावर एन प्लस बी इंटू माइनस टू द पावर एन डिराइव अ डिफरेंस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट। यहाँ पे जो है डिफरेंस इक्वेशन का हम जो है निकालेंगे जिसमें जो है एलिमिनेट होना चाहिए कॉन्स्टेंट जितने भी, जैसे कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है वो है ए और बी, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे इसको एलिमिनेट करना है ए और बी को जिससे कि उसका जो है एलिमिनेट हो जाए और उसका डिफरेंस इक्वेशन हमको जो है मिल जाए। तो ये डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू से जो हम इसको एलिमिनेट करते जाएंगे, सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन में देखेंगे वाई एन इज इक्वल्स टू है ए इंटू टू द पावर एन प्लस बी इंटू माइनस टू द पावर एन, और वाई अगर मैं एन की जगह पे यहाँ पे एन प्लस वन रख देते हैं ना भाई, तो एन की जगह में एन प्लस वन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू एन की जगह में यहाँ पे एन प्लस वन रखेंगे तो टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी इंटू माइनस टू होल द पावर यहाँ पे एन है तो एन प्लस वन हो जाएगा। वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा टू की पावर जो वन है एन प्लस वन है उसको हमने जो है टू की पावर एन और टू की पावर वन में इसको चेंज कर दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा टू जो है यहाँ पे आ जाएगा तो टू ए इंटू टू द पावर एन माइनस सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस टू द पावर यहाँ पे वन है तो ये माइनस टू बाहर निकल जाएगा तो माइनस और प्लस माइनस हो गया माइनस टू बी माइनस टू द पावर एन बचा रहेगा। फिर हम जो है यहाँ पे सेकंड इसका जो है अब एन की जगह में एन प्लस यहाँ पे टू रखते हैं, कहने का मतलब एन की जगह में यहाँ पे इसमें जो है एन प्लस वन रख देंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा एन और प्लस वन प्लस टू हो गया इज इक्वल्स टू टू इंटू ए टू द पावर अगेन एन की जगह में यहाँ पे जो है रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन माइनस टू इंटू बी इंटू माइनस टू द पावर एन की जगह में एन प्लस वन हो गया। वाई एन प्लस टू इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखते हैं फिर से वही काम करेंगे जो पिछले में किए थे भी, टू द पावर यहाँ पे क्या है एन प्लस वन है तो ये हो जाएगा टू की पावर एन इंटू टू की पावर वन तो टू की पावर वन यहाँ पे इसके हम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर ए हो गया इंटू बचा है यहाँ पे टू द पावर एन प्लस यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखेंगे प्लस कैसे हुआ है माइनस टू द पावर एन प्लस वन है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू द पावर एन इंटू
यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू द पावर वन, और माइनस टू द पावर वन यानी कि माइनस टू, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और टू इंटू टू हो जाएगा फोर, इंटू बी है तो बी बचा हुआ जो है माइनस टू द पावर एन। अगेन वाई एन प्लस टू इज इक्वल्स टू, सभी से जो है फोर कॉमन है, और जो इसको हमने फोर को कॉमन ले लिया है तो बचा यहाँ पे ए इंटू टू द पावर एन प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू माइनस टू द पावर एन। और यही चीज़ हमारा जो है क्या है, एक्चुअल में हमारा जो है ये वाई एन है, ए इंटू टू द पावर एन प्लस बी इंटू टू माइनस टू द पावर एन, तो ये हो जाएगा वाई एन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो कांस्टेंट ए और बी जो वो हट गया है, वो वाई एन के फॉर्म में आ गया है। कब आया, जब हमने जो है डिफरेंस निकालते गए हैं, डिफरेंस इक्वेशन का यूज़ करते गए, एन प्लस टू इज इक्वल्स टू आ गया इज इक्वल्स टू फोर वाई एन, इसमें ए और बी दोनों जो है हट गए हैं, एलिमिनेट हो गया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसको एलिमिनेट करेंगे ए और बी का टोटली, तो इसमें जो है, या फिर दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं कैसे निकालेंगे, इसी में ही हम एलिमिनेटिंग ए एन बी वी गेट वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस टू इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा वन टू फोर माइन यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस टू फोर, उसी का कोफिशियंट जो है ए और बी का उसको लेंगे ए और जीरो। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बताती हूँ फिर से, ये जितने भी वाई के हमने जितने भी यहाँ पे बढ़ाए हैं है ना, जितने डिफरेंस निकाले हैं, तो उसमें हम कैसे एलिमिनेट करेंगे ए और बी को, तो वो देखते हैं क्या करना है आपको। वाई के जितने स्टेपेस हैं, कहने का मतलब वाई एन है, उसके बाद हमने एन प्लस वन लिया, उसी में ऐड किया, फिर अगेन एन प्लस वन, तो वाई एन प्लस टू हो गया। तो वाई के जितने भी यहाँ पे हैं वो लेना है, जितने भी डिफरेंस इक्वेशन है उसको, फिर यहाँ पे ए के जितने भी कोफिशियंट है उसको लेना है, और यहाँ पे बी के जितने भी कोफिशियंट है उसको लेना है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं है ना, यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं ए का कोफिशियंट क्या था, वो था यहाँ पे टू की पावर एन फॉर्म में था, और यहाँ पे माइनस टू की पावर एन फॉर्म में था। तो पहले तो हम देखेंगे, तो ये फॉर्म में जो भी फॉर्म में था उसमें जो है यहाँ पे कोफिशियंट वन है, और यहाँ पे भी कितना है, वन ही है ना। फर्स्ट वाई एन में देखेंगे यहाँ पे ए का कोफिशियंट क्या है, वन, और बी का कोफिशियंट क्या है, वो भी वन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वन, ये यहाँ पे देख रहे हैं वन वन लिखे हैं। उसके बाद देख रहे हैं वाई एन प्लस वन, जब वाई एन प्लस वन निकाले थे उस पर ए और बी एन का कोफिशियंट कितना आया था, तो वाई एन प्लस वन में देख रहे हैं ए का कोफिशियंट है टू, और बी का कोफिशियंट है यहाँ पे माइनस टू है, तो यहाँ पे क्या लिखने लिखेंगे हम, टू एन माइनस टू हो गया, ए का कोफिशियंट टू और बी का कोफिशियंट हो गया माइनस टू। उसी तरीके से जो है यहाँ पे देखते हैं वाई एन प्लस टू के सामने, तो वाई एन प्लस टू में देख रहे हैं वो है ए का कोफिशियंट है फोर और बी का कोफिशियंट है प्लस फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर एंड फोर हो गया, ये फोर एंड फोर हो गया इज इक्वल्स टू जीरो लेके चलते हैं। अब इसको हमको जो सॉल्व करना है, तो सॉल्व किए हैं, अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फोर का मल्टीप्लाई किया है आर वन में, फोर का मल्टीप्लाई करके आर थ्री का इससे माइनस किए हैं, तो यहाँ पे वही काम करते हैं, फोर का जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये फोर जगह फोर वाई एन हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस फोर एंड फोर, तो यहाँ पे जो है फोर और फोर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका जो है इसके साथ माइनस कर दिए, आर थ्री का माइनस किए आर वन के साथ में फोर का मल्टीप्लाई करने के साथ, तो यहाँ पे हो गया फोर वाई एन माइनस वाई एन प्लस टू हो गया, फोर इंटू वन फोर, फोर माइनस फोर हो गया, एंड फोर इंटू वन फोर, फोर माइनस यहाँ पे हो गया फोर। यहाँ पे ये सेकेंड रो जो है एज इट इज़ है वाई एन प्लस वन टू एंड माइनस टू, थर्ड रो भी एज इट इज़ है वाई एन प्लस टू फोर एंड फोर, ये डिटरमिनेंट हो गया इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों की वैल्यू जो है कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो गया, फोर वाई एन माइनस टू एन वाई एन माइनस वाई एन प्लस टू जीरो जीरो, वाई एन प्लस वन टू माइनस टू, वाई एन प्लस टू फोर एन फोर इज इक्वल्स टू जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज जो है जीरो है ना भाई, तो यहाँ पे इसी का ही निकलेगा यहाँ पे, तो ये फोर वाई एन माइनस फोर वाई एन प्लस टू इंटू यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू इंटू फोर एट हो गया, और माइनस माइनस प्लस फोर इंटू टू यानी कि वो भी एट हो गया, बाकी जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों जीरो हैं इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देख रहे हैं एट और एट यहाँ पे हो गया सिक्सटीन, सिक्सटीन जो है जीरो के डिवाइडेशन फॉर्म में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे आया फोर वाई एन माइनस फोर वाई एन प्लस टू, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ गई है जो है हम अच्छे से और लिख सकते हैं वाई एन माइनस कॉमन निकाल करके वाई एन प्लस टू माइनस फोर वाई एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर जीरो। तो ये जो है इसका डिफरेंस वैल्यू हमें मिल जाएगा, जिसमें जो है ए और बी दोनों जो है हट गए हैं, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे उसको निकाल सकते हैं जिसमें एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फोर वाई एन प्लस टू माइनस फोर वाई एन,
तो ये इस तरीके से हमने देखा आज यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन। आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन को ले लीजिए और सॉल्व करते रहिए स्टूडेंट, ताकि आपका जो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाए। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स कभी भी संभव नहीं है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी आपको मैथड समझ में आएगा, क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हुई हैं वो भी समझ में आएगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।